तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। तो मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, स्पैम कमेंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो मैं आपको बता दूँ, स्पैम कमेंट्स आपके चैनल के लिए इतने डेंजरस होते हैं कि ये आपका चैनल टर्मिनेट भी करा सकते हैं। इसलिए अगर आप एक यूट्यूबर होना तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्पैम कमेंट्स क्या होता है, आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आपके चैनल पे भी स्पैम कमेंट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और अगर आपके चैनल पे स्पैम कमेंट्स है तो भाई आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं और अपने चैनल को टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब कमेंट्स को लेकर कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप करते हैं तो भाई आपके चैनल पे कोई भी स्पैम कमेंट नहीं आएगा, जिससे कि आपका चैनल टर्मिनेट होने से बच सकता है। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हो और आप भी ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि भाई स्पैम कमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जैसे कि सब फॉर सब, या फिर भाई तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे मैं तेरा कर दूंगा, या फिर सब्सक्राइब चाहिए तो लाइक करो ये करो, ठीक है, या फिर प्रमोशन के बारे में कि भाई मेरे चैनल प्रमोट कर दो, या फिर किसी का चैनल प्रमोट कराना है तो यहाँ पे आओ, या फिर कोई आपके कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिंक डालता है या फिर कोई हैशटैग डालता है। तो दोस्तों, ये सब स्पैम है, ये सारे स्पैम कमेंट्स हैं। अगर आपके चैनल पे बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे स्पैम कमेंट आ जाते हैं तो इससे आपका चैनल यूट्यूब टर्मिनेट भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि भाई स्पैम कमेंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आपके चैनल पे भी स्पैम कमेंट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और अगर आपके चैनल पे स्पैम कमेंट्स आ भी रहे हैं तो भाई आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर 3 डॉट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए कमेंट्स का एक ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे वो सारे कमेंट्स दिख जाएंगे जो कि आपके चैनल पे पब्लिक है, ठीक है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे ऊपर आप लोगों को दिख भी रहा होगा पब्लिश्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक डॉट है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे, पहला पब्लिश, दूसरा हेल्पफुल रिव्यू और तीसरा है लाइकली टू बी स्पैम। तो दोस्तों, अगर आपको चेक करना है कि क्या आपके चैनल पर भी स्पैम कमेंट्स हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे जो 3 नंबर पर ऑप्शन है लाइकली टू बी स्पैम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल पे जितने भी स्पैम कमेंट्स आए होंगे वो सारे स्पैम कमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्पैम कमेंट के साथ साथ कुछ अच्छे कमेंट भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई यूट्यूब का मशीन लर्निंग सिस्टम काम करता है और वो कभी कभी मतलब उससे भी मिस्टेक हो जाता है भाई, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये जो पहला यहाँ पे आप लोगों को कमेंट दिख रहा होगा अपना टेक भाई का, ठीक है, तो ये कमेंट अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी यूट्यूब से मिस्टेक हुआ है और उसने क्या किया है, इसे स्पैम में डाल दिया है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे, ये देखिए भाई चैनल सब्सक्राइब करेगा, यहाँ पे भाई सब्सक्राइब माई चैनल, मतलब जो भी सब फॉर सब या फिर प्रमोशन वाले इतने जो भी कमेंट होंगे सारे इसमें आ जाएंगे, सारे स्पैम कमेंट है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे सारे कमेंट पढ़ने होंगे, ठीक है, आपको देखना होगा। अगर जैसे मान लीजिए पहला कमेंट है, ये कमेंट अच्छा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये स्पैम कमेंट में ना जाए, उसे क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे देखिए एक टिक का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके अप्रूव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये कमेंट स्पैम कमेंट से बाहर निकल चुका है, ठीक है, वो कमेंट अब पब्लिक हो चुका है। अब जैसे कि ये कमेंट है, जो जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, मतलब सफ़ुर सब वाला, तो आपको इसे क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, या फिर अगर आप चाहते हैं भाई इसे रिपोर्ट करना है तो यहाँ से देखिए फ्लैग का एक ऑप्शन, यहाँ से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये बंदा फिर से कोई ऐसा कमेंट ना करे तो आप इसके चैनल को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड यूज़र यहाँ पे करके, ठीक है, तो मैं इसे हाइड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये सारे कमेंट पढ़ने होंगे, यहाँ पे जितने भी स्पैम कमेंट होंगे सबको डिलीट करना है, और जो अच्छे कमेंट्स होंगे उन्हें अप्रूव करना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से ये जो डॉट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है हेल्पफुल रिव्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐसे कमेंट देखने को मिलेंगे जिसमें कि यूट्यूब कन्फ्यूज है, ठीक है, यूट्यूब को पता नहीं है कि भाई ये स्पैम है या फिर पब्लिक कमेंट है, ठीक है, ये कहाँ पर रखना चाहिए, तो उसे यहाँ पर रिव्यू करने के लिए डाल देता है। अब यहाँ पे आपको रिव्यू करना होगा, यहाँ पे देखना होगा, जो कमेंट अच्छा होगा भाई आपको यहाँ से अप्रूव कर लेना है, और जो कमेंट है भाई स्पैम है उसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी वीडियो पर भी स्पैम कमेंट्स आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो भाई आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यूट्यूब कमेंट्स को लेकर कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे अगर आप कर देते हैं ना तो आपके चैनल पे आज के बाद से कोई भी स्पैम कमेंट नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे कोने में देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कम्युनिटी का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटेड फिल्टर्स, ठीक है,
तो इसमें देखिए सबसे पहले है मॉडरेटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मॉडरेटर बनाना होगा। दोस्तों मॉडरेटर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या काम करता है, अगर आपको नहीं पता तो भाई इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख लेना। अब यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों अप्रूव्ड यूजर, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आप किसी यूजर को अप्रूव करते हैं तो भाई वो आपके चैनल पे जितने भी कमेंट आएंगे उन्हें मैनेज कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे देखिए हिडन यूजर्स, दोस्तों यहाँ पे हिडन यूजर्स वो यूजर्स जो आपकी वीडियो पे स्पैम कमेंट्स करते हैं या फिर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं और आप उन्हें हाइड कर, वो सारे यूजर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए ब्लॉक्ड वर्ड्स, इसका मतलब दोस्तों ये है आपके कमेंट में कोई ऐसा वर्ड आता है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं कि अगर ये कोई वर्ड आपकी वीडियो में कमेंट करता है तो वो कमेंट स्पैम में चला जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो वर्ड डाल सकते हैं जैसे कि सब्सक्राइब या फिर प्रमोशन, ठीक है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं ना और ये वर्ड अगर आपकी वीडियो में कोई कमेंट करता है तो वो कमेंट पब्लिक में शो नहीं होगा, ठीक है, वो स्पैम में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए ब्लॉक लिंक्स, दोस्तों अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो और यहाँ से नीचे से इसे सेव कर देते हैं तो आपकी वीडियो में अगर कोई भी लिंक भेजता है आपके कमेंट बॉक्स में कोई भी लिंक डाल के कमेंट करता है तो वो कमेंट स्पैम में चला जाएगा, या फिर अगर आपके कमेंट में कोई हैशटैग लगा के कमेंट करता है तो भाई वो भी कमेंट स्पैम में चला जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड फिल्टर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए एक दूसरा ऑप्शन है डिफॉल्ट्स का, तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे डिफॉल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे जो पहला देख लीजिए भाई, मैंने पहले यहाँ जो ऑप्शन है इसमें मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपको यही सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और दूसरा में देखेंगे यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें मैंने टिक लगा रखा है, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही कर देना है। और ये सब करने के बाद यहाँ पे नीचे एक सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखा दोस्तों अब आप लोगों को भाई पता चल गया होगा स्पैम कमेंट क्या है, ये आपके चैनल पे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आ भी रहे तो आप इसे कैसे डिलीट कर सकते हैं, और वो कौन सी सेटिंग है जिसे अगर आप भाई करते हैं तो इससे आपके चैनल पे कोई भी स्पैम कमेंट नहीं आएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में मुझे इसी के बारे में बताना था और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों स्पैम कमेंट कोई मत कर देना, ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।